यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जहां भी हिंदुस्तान का नौजवान कल की बात करना चाहता है, नई सोच की बात करना चाहता है, भविष्य की बात करना चाहता है, वहां आरएसएस के लोग उसे कहते हैं नहीं, तुम कल की बात मत करो, आज की बात मत करो, हमें सिर्फ बीते हुए समय की बात करनी है। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे सब विद्यार्थियों के हक का होगा और हिंदुस्तान के भविष्य का होगा। हम एक ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां सिर्फ एक सोच सबके ऊपर थोपी जाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जब हिंदुस्तान के जहां हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये चॉइस हो, ये फ्रीडम हो कि जो उसके दिल के अंदर है वो बाहर बोल पाए। ऐसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ना चाहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का नौजवान लड़ना चाहता है। जहां हैदराबाद में जब गया, वहां जो धरना कर रहे थे उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई है, मित्रता बन गई है, तो मैंने उनको कहा, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि जो रोहित के खिलाफ हुआ है वो सिर्फ रोहित के खिलाफ नहीं हो रहा है, हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। माइन लड़कियों को दबाया जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, अलग अलग लोगों को दबाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप सचमुच में इससे लड़ना चाहते हो तो हमें एक कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को बंद करे, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो युवाओं की आवाज है उसको दबाने से रोके। तो ये मैंने इनको सुझाव दिया था और हमारी इनके साथ बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी में भी ये बातचीत चल रही है और ऐसे कानून के लिए हम लड़ेंगे।